योगी सरकार प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने की लाख कोशिश कर ले, पर अपराध है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तेजी से बढ़ते अपराध और अपराधियों के बुलंद हौसले इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। ऐसा ही कुछ मामला अमेठी में देखने को मिला, जहां पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन रात में खाना खाकर अपने नवनिर्मित मकान, जो कि हाईवे के ठीक बगल में बना हुआ है, वहां पर कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, वे वहीं पर सो रहे थे, तभी रात में अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमनुल्ला और उनकी पत्नी, ये अपने नवनिर्मित मकान, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, उसमें ऊपर अपने बरामदे में सो रहे थे और जो हाईवे पे काम चल रहा है उसके लिए जो साइड में ग्रिल लगती है, वो कुछ ग्रिल किसी ठेकेदार का था जो उनके सामने खाली जगह पे रखा हुआ था, उसी को चोरी करने के उद्देश्य से कुछ लोग आए थे, जिन लोगों ने इनके साथ, जब इन्होंने आहट सुनी तो इन्होंने आवाज़ दिया, उस पर इनके साथ मारपीट किया, इनका पैर हाथ बांध दिया और इनके सर पे डंडे से चोट पहुंचाई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई और वो ग्रिल जो बनी हुई थी, सामने रखी हुई थी, उसको उठा के ले गए। इस घटना पे मौके का निरीक्षण हम सभी लोग, हमारे सभी अधिकारी पहुंचे थे, मैं स्वयं पहुंचा था, हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है, कुछ जानकारी भी मिली है। ये घटना होने का एक कारण ये भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तो जानकारी मिली है, उस पर काम चल रहा है, कुछ लोगों को अभी हिरासत में भी लिया गया है, हम अतिशीघ्र इसका अनावरण करेंगे। मैं घटी यहाँ लेते थे, शाम को यहाँ रहते थे, रात में और दिन में तो घर पे चले जाते, गांव में यहाँ आए थे तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग तो गांव में थे, अम्मी और अब्बू यहाँ। इसके साथ मृतक के बेटे ने बताया कि रात को जब वे सो रहे थे तभी कुछ लोग आए और उनके पिता को पीटने लगे, साथ ही उनकी अम्मी को भी रस्सी से बांध दिया और घर का अन्य सामान भी लूट कर ले गए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर अमेठी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ डेस्क।